हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है फ्लैश फिल और कस्टम लिस्ट। देखिए दोस्तों, फ्लैश फिल का क्या मतलब होता है? फ्लैश फिल का मतलब होता है कि सेल में डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाए। मतलब ये जो सेल है आपकी, यहाँ पे जो डेटा आपको फिल करना है वो क्या हो जाए, अपने आप फिल हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फ्लैश फिल कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक टेबल बनी हुई है। टेबल में पहले क्या दिया है, फुल नेम, मतलब कि पूरा नाम सबका दिया है। जैसे श्याम शर्मा, सुंदर यादव, राकेश वर्मा, सूरज सिंह, रामलाल, गोपाल तिवारी, रत्नाकर उपाध्याय। ठीक है, अब हमें क्या करना है अगली टेबल में। ठीक है, जैसे इस टेबल में दिया है नेम, अब इस में चाहिए हमें बी में। बी क्या है हमारी, कॉलम। ठीक है, तो बी कॉलम में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और सी वाले में क्या चाहिए, लास्ट नेम। मतलब श्याम, सुंदर, राकेश, सूरज, राम, गोपाल, रत्नाकर, ये हमें कहाँ चाहिए, बी में। और शर्मा, यादव, वर्मा, सिंह, लाल, तिवारी, उपाध्याय, ये कहाँ चाहिए हमें, सी में। तो आइए देखें फ्लैश फिल कैसे काम करता है। और एक चीज़ और दोस्तों, फ्लैश फिल को यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा अपने एक्सेल में कि फ्लैश फिल आपके यहाँ ऑन है कि नहीं। उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, फाइल में, फाइल के बाद जाएंगे हम लोग ऑप्शन में, ऑप्शन के बाद जाएंगे हम लोग एडवांस्ड में। एडवांस में जाने के बाद एक तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा जो इस समय हमने अनचेक कर दिया है, ये ऑटोमेटिक फ्लैश फिल, ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल, इसको चेक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा फ्लैश फिल काम करेगा। आइए देखिए कैसे करता है। फर्स्ट नेम में हम पहले नाम लिखते हैं, SHYAM, श्याम। ठीक है, फिर दूसरा नाम क्या है, सुंदर। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने सुंदर के सिर्फ दो डिजिट लिखे SU, तो एक्सेल को पता चल गया कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, श्याम, सुंदर, राकेश, सूरज, राम, गोपाल, रत्नाकर। तो देखिए क्या आ गया आंसर आपका, श्याम, सुंदर, राकेश, सूरज, राम, गोपाल, रत्नाकर। ठीक है, इसी तरह लास्ट नेम में भी करेगा, पहले में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरे में भी आपको थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा कि जो पैटर्न आपके इस टेबल में है वही फॉलो करना है कि नहीं। ठीक है, जैसे ही आ गया फ्लैश फिल आपको यहाँ दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इंटर कर दीजिए और फ्लैश फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्लैश फिल है जो ऐसे काम करता है। ठीक है, ऑटोमेटिक डेटा भर देता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कस्टम लिस्ट क्या होती है। कस्टम लिस्ट देखिए दोस्तों, वो लिस्ट होती है जो हम अपने एक्सेल में बनाते हैं, वो लिस्ट हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेल में कुछ लिस्ट बनी होती है, जैसे मान लीजिए हम महीने के नाम लिखते हैं, जनवरी, फरवरी। ठीक है, अब हमें दिसंबर तक पूरा लिखना की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, ये दोनों सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो हमारा जब ये फिल हैंडर जो है कर्सर ऐसे हो जाएगा, इसको ड्रैग करेंगे, देखिए साइड में क्या लिख रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये फिल हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि ये लिस्ट आपके एक्सेल में पहले से बनी हुई है, कहाँ पे, कस्टम लिस्ट में। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए हम कुछ नाम लिखना चाहते हैं कि वो नाम यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मैंगो, ठीक है, मैंगो के बाद हमने लिख दिया पोटैटो, तो अब आप इसको जब ड्रैग करेंगे ना, तब एक्सेल को पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो वो जो आप लिस्ट बनाए हैं ऊपर उसी को वो क्या करेगा, रिपीट कर देगा, मैंगो टोमेटो, मैंगो पोटैटो, मैंगो पोटैटो, मैंगो पोटैटो। ठीक है, पर हमें अगर मान लीजिए कोई लिस्ट चाहिए तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फाइल मेनू में, उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन के बाद हम जाएंगे एडवांस में, और एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक तो दिख रहा होगा क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट ऑफ फिल, एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे
ये ओपन हो जाएगा। देखिए अब इतनी लिस्ट इसमें बनी है, मंडे ट्यूसडे शॉर्ट में, मंडे ट्यूसडे फुल, जनवरी फरवरी शॉर्ट में, जनवरी फरवरी फुल, फिर मंडे ट्यूसडे, फिर मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी, ये बनी हुई है। आपको नई लिस्ट बनानी है, आप न्यू लिस्ट पे रहेंगे, यहाँ पे आएंगे, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। हमने कहा हम लिखेंगे मैंगो कॉमा पोटैटो कॉमा टोमेटो कॉमा, हम लिख देते हैं एप्पल, ठीक है, कॉमा लिख देते हैं बनाना, ठीक है। ये लिस्ट हमारी बन गई। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कराएंगे। ऐड कराते ही ये लिस्ट हमारी कहाँ आ गई, जहाँ पे पहले से कस्टम लिस्ट बनी हुई थी वहीं आ गई, और ओके, ठीक है, और ये भी ओके। अब देखिए, अब हम जैसे मैंगो लिखेंगे, मैंगो और पोटैटो, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हमारा फिल हैंडलर ऐसे बन जाएगा, अब देखिए ड्रैग कर रहे हैं तो जो हमने लिखा था वो आपका हो रहा है, ठीक है। क्या हो गया, मैंगो पोटैटो टोमेटो एप्पल बनाना, ये लिस्ट हमने बनाई थी, ठीक है। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये फिर लिस्ट क्या होगी, रिपीट होगी। देखिए बनाने के बाद फिर मैंगो, फिर पोटैटो, फिर टोमेटो, फिर एप्पल, फिर बनाना, ठीक है। ये हमारा क्या था दोस्तों, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में लिस्ट एक तरह से और बना सकते हैं, वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, एडवांस में जाते हैं, नीचे आते हैं, एडिट करते हैं, और अपनी ये लिस्ट क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी लिस्ट को हम दूसरी तरीके से बनाएंगे, ओके ओके ओके, ठीक है। अब दूसरी तरीके से कैसे बनेगा, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि रिपीट है, ठीक है। आइए अब दूसरी तरीके से कैसे बनेगा, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। अब दूसरी तरीके से बनाने के लिए फाइल पे जाएंगे, फिर ऑप्शन पे जाएंगे, एडवांस, एडिट कस्टम लिस्ट। अब देखिए ये हमारी टेबल क्या है, यहाँ सेलेक्ट हो गई है, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करते समय क्या करेंगे, जो भी हमें लिस्ट चाहिए वो हम क्या करेंगे, एक्सेल की शीट पे बना लेंगे, ठीक है। एक्सेल की शीट पे बनाने के बाद क्या करेंगे, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट हो गई, देखिए, और ओके, फिर ओके। अब आप जब भी करेंगे देखिए रिपीट हो रही है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब फिर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए मैंगो पोटैटो टोमेटो एप्पल बनाना, फिर रिपीट, मैंगो पोटैटो टोमेटो एप्पल बनाना, फिर मैंगो, ठीक है दोस्तों। तो कस्टम लिस्ट में या तो आप लिस्ट जाके कस्टम वाले में जाके बनाइए, या फिर आप लिस्ट एक्सेल में बना के वहां पे इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।